तो भाई आप अपनी अर्निंग थोड़ा बताइए कि आपकी पर पेज से अर्निंग कितनी हो जाती है विद स्क्रीनशॉट लाइव प्रूफ। मैं स्क्रीन पे भी देख लेना, ये देखिए मेरे पेज हैं, इनमें ऐसा होता है कि किसी भी पेज पे हमारे कभी $900, कभी $800 और कभी $1900 ऐसे तक बन जाता है हमारे पेज पर। फेसबुक पे आने से पहले मैं एज ए एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था, जो प्राइवेट की हेल्पर की जॉब करता था। आप अपने पेज में किस टाइप के कंटेंट अपलोड करते हैं जिससे आप अर्निंग कर पाते हैं? आप यहाँ पर जो कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको व्यूज कैसे आते हैं? बहुत से लोग यहीं परेशान रहते हैं, वो अपना पेज बाय कर लेते हैं या फिर पेज बना लेते हैं, उसमें काम करते हैं, लेकिन उनके पेज में व्यूज ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाने वाला हूँ जो यहाँ पर फेसबुक में एक दो पेज नहीं मल्टीपल पेज में यहाँ पर काम करते हैं और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर मंथली के एक एक पेज से $800-900 तक की अर्निंग यहाँ पर अर्न कर लेते हैं। आप जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल पेज में इनकी अर्निंग यहाँ पर 8-8, 9-9, 100-1000 डॉलर तक की हुई है और ये यहाँ पर महीने के आराम से 4-5 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पर। तो थैंक यू भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से क्योंकि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया है। तो भाई सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, आप अपना इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और इस समय आप किस प्लेटफॉर्म में अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरा नाम राज बहादुर है, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा जो प्लेटफॉर्म है अर्निंग करने का फिलहाल में केवल ओनली एक ही है, फेसबुक कॉपी पेज, वो भी इन स्ट्रीम एड से ही मैं अर्निंग कर रहा हूँ इस वक्त। और काफ़ी सारे पेजेस है हमारे पास, अब तो पूरा सिस्टम रहने लग गया है, तो हम इन स्ट्रीम हेड पे ही काम करते हैं फेसबुक पेज बना के। तो जैसा दोस्तों आपने देखा कि भाई यहाँ पर फेसबुक में ही काम करते हैं और भाई से मैंने जैसे बात की थी कि भाई यहाँ पर मल्टीपल पेज में काम करते हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं कि आप कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप फेसबुक से अर्निंग कैसे कर सकते हो और अगर आपके फेसबुक पेज में कोई इशू आ गया, कोई भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ गई तो ये भाई कैसे उसको हटाते हैं, सभी सीक्रेट भाई अपने इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आप पहले फेसबुक के पहले क्या करते थे, मतलब फेसबुक के आइडिया आने से पहले आप क्या चीज़ें कर रहे थे अपने लाइफ में? फेसबुक पे आने से पहले मैं एज ए एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था, जो प्राइवेट थी हेल्पर की जॉब करता था और उसमें बीच बीच में मैं फेसबुक को सीखता भी था, फेसबुक के जो प्राइवेसी पॉलिसी है उनको पढ़ता रहता था और काम भी करता रहता था साथ साथ। जो फेसबुक पे मेरा जो सोर्स बना रहा था मैं अपना, वो उस पर मैं काम कर रहा था कंटिन्यू। तो मैं फेसबुक को सीखने लगा, पहले सीखा जाता है। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी गलत की थी जिसकी वजह से मेरे कुछ पेज बहुत ज़्यादा डिमोनेटाइज हुए थे, उसके बाद वो पेजों को ख़राब हुआ था और अर्निंग रुक गई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, उसके बाद सीखा और काम किया। तो जैसा दोस्तों भाई ने अपनी जर्नी यहाँ पर शेयर की कि भाई पहले वेटर थे, पहले वेटर का काम करते थे लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पर पॉडकास्ट को देखना शुरू किए और फेसबुक में काम करना शुरू कर दिया और अभी भाई फेसबुक से अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आप ये बताइए कि आप फेसबुक में कितने टाइम से काम कर रहे हैं, आपको कितना टाइम लगा इतने पेज को ग्रो करने में, फेसबुक से अर्निंग करने में? देखिए फेसबुक पर मुझे आए हुए लगभग 3-3.5 महीने हो चुके हैं, 3 या 4 पेमेंट मैंने उठा लिए, मुझे ऐसे फिक्स याद नहीं है, लेकिन जब मैं आया था फेसबुक पे तो 2-3 महीने तो ग्रो करने में मुझे लगे थे। तो मतलब भाई ने यहाँ पर 3-4 महीना पहले टाइम दिया सीखने में, पहले चीज़ों को सीखा कि फेसबुक कैसे काम करता है, फेसबुक का एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इसके बाद भाई यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। और जैसे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने में यहाँ पर अपने पेज ग्रो कर सके हैं, अपने पेज से अर्निंग कर रहे हैं। तो भाई आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आप अपने पेज में किस टाइप के कॉन्टेंट अपलोड करते हैं जिससे आप अर्निंग कर पाते हो, आपके कॉन्टेंट में अच्छे व्यूज आ पाते हैं? हमारा जो फिक्स कंटेंट ज़्यादातर रहता है क्योंकि मैंने अपने जो पेजों को ग्रो किया है वो ज़्यादातर न्यूज़ कैटेगरी में जाके रेगुलर न्यूज़ अपलोड किया, न्यूज़ बहुत जल्दी फेसबुक पे वायरल चलती है, हमेशा न्यूज़ वायरल रहती है, तो मैंने न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। और अभी तो हम कंटेंट चेंज कर देते हैं और न्यूज़ पे हम ज़्यादातर फोकस रखते हैं, हमें लगा के कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहा है न्यूज़ में तो हम उस पे काम करना चालू कर देते हैं। तो भाई आप ये बताइए कि आप अपने पेज में किस टाइप के कंटेंट को अपलोड करते हैं इस टाइम? देखिए जब हमने स्टार्ट किया था अपने पेज पे काम करना तो हम ज़्यादातर न्यूज़ पे फोकस करते थे क्योंकि न्यूज़ बहुत जल्दी से वायरल होती है और न्यूज़ को फेसबुक जल्दी ग्रो करता है, तो हमने न्यूज़ को ज़्यादातर पकड़ के रखा है। अभी भी हम न्यूज़ पे काम करते हैं, हालांकि हम चेंज भी करते हैं कंटेंट अपने फेसबुक पेज पे, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेंडिंग आ जाता है न्यूज़ में उस पर हम ज़्यादातर फोकस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उससे अर्निंग अच्छी खासी होती है और पेज की रीच भी काफ़ी हाई तक बढ़ जाती है। भाई इस टाइम आपके कितने पेज होंगे जिनमें आप अभी वर्क कर रहे हैं, कितने पेज आपके मोनेटाइज हैं? देखिए पेज हमारे इस वक्त 5 मोनेटाइज है और जो ग्रो कर चुके हैं पेज, जो वायरल हो चुके हैं, कुछ हमारे 3-4 पेजों पे सेटअप का ऑप्शन आ गया है तो हमने अभी सेटअप नहीं लगाया, सेटअप हम बाद में लगाते हैं जब हमारे पेज हमारे पास टाइम होता है, उसके बाद हम सेटअप का ऑप्शन लगा देते हैं। और मल्टीपल जो पेज हैं हमारे बाकी के
उनको हम ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। तो मतलब दोस्तों आपने देखा कि भाई के 5 पेज मोनेटाइज जिससे भाई अर्निंग कर रहे हैं, जिनसे उनकी यहाँ पर अर्निंग अभी जनरेट हो रही है, और बाकी भाई के मल्टीपल पेज है जिनपे वर्क करते हैं। तो भाई आप ये बताइए कि आप जितने आपके पेज के आप सभी में आप न्यूज कॉन्टेंट को अपलोड करते हैं या फिर हर एक में कॉन्टेंट डिफरेंट रहता होगा? देखिए ज़्यादातर हम न्यूज पे ही काम करते हैं क्योंकि न्यूज वायरल भी होता है और हमारा जो कंटेंट रहता है, एक पे हमने आज न्यूज डाला है तो दूसरे पे अदर कंटेंट डालेंगे। तो अब भाई हम यहाँ पर कुछ मेन टॉपिक में आ जाते हैं, मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो बहुत से ऑडियंस यहाँ पर वेट करती है कि अर्निंग कितनी होती, कितना कमाते हो। तो भाई आप अपनी अर्निंग थोड़ा बताइए कि आपकी पर पे से अर्निंग कितनी हो जाती है विद स्क्रीनशॉट लाइव प्रूफ, जो कि हमारी ऑडियंस देखना चाहती है। आप साइट में स्क्रीन पे भी देख लेना, ये देखिए मेरे पेज हैं, इनमें ऐसा होता है कि किसी भी पेज पे हमारे कभी $900, कभी $800 और कभी $1900 ऐसे तक बन जाता है हमारे पेज पर, लेकिन कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता है कि इतनी अर्निंग बन ही जाएगी। ये हमारी शेयरिंग पे रहता है कि हम वीडियो को कितना शेयर कर पाते हैं, हमारे पास ग्रुप्स रहते हैं जिनमें हमें वीडियो को वायरल करना होता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई के यहाँ पर पेज में आराम से $800-900 की अर्निंग हो जाती है। मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाई दे रहा हूं। तो यार इसी बात में यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो लोग अभी नए इस वीडियो को देख रहे हो, भाई पूरा यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं कि हर एक पेज से इनकी अर्निंग हो रही है, किसी से $500, किसी से $1000, किसी से $1100, इस प्रकार से भाई 5 पेज से अर्निंग कर रहे हैं। भाई आप हमको ये बताइए कि आप ये कॉन्टेंट जो यूज करते हैं इसको आप कहाँ से उठाते, इसको यूज करने का तरीका क्या होता है? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो YouTube पे हम खुल के नहीं बता सकते हैं, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम खुल के नहीं बता सकते हैं क्योंकि YouTube की प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो हम YouTube से बहुत मुश्किल से उठाते हैं, जब हमारा पेज ग्रो नहीं हो रहा होता है मोनेटाइजेशन से पहले हम YouTube से ले लेते हैं और Instagram से ले लेते हैं। मोनेटाइजेशन के बाद ना हम YouTube से लेते हैं, ना तो हम Instagram से, ना ही हम Facebook से, हम वेबसाइट और एनी अदर ऐप्स होते हैं उनसे हम कंटेंट उठाते हैं और Facebook पे लाते हैं क्योंकि वो Facebook पे अवेलेबल नहीं होता है। भाई ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप ये कंटेंट को एडिट कैसे करते हैं, क्योंकि YouTube में बहुत से लोग अभी झूठ बता रहे हैं ऐसे एडिट करना है, वैसे एडिट करना है। तो आप हमारे ऑडियंस को एक सही तरीका बताइए जिससे आप यहाँ पर आप 5-6 पेज को ग्रो कर पाएं, उनको मोनेटाइज कर पाएं, कि एडिटिंग हम किस टाइप से करें कि हमारे पेज में कभी ये पॉलिसी इशू, मोनेटाइजेशन का इशू, इस तरह के इशू कभी भी ना आए। ये इसमें एडिटिंग में ऐसा होता है कि यूट्यूब पे हवा बना के रखा हुआ है कि एडिटिंग ऐसे करो, कॉपी पेस्ट ऐसे करो, कभी कभी तो हंसी आती है, सारी फेक वीडियो ज़्यादा बनाई जाती हैं कि कॉपी पेस्ट इस तरह से किया जाता है, सारा खेल एडिटिंग का। और फिर प्लस आपकी जो वीडियो आप लेते हो, उनको उठाते हो, वीडियो लेने का और अपलोड करने का, इन तीनों चीज़ों में ही प्रोसीजर है। अगर इन तीनों को आप मैनेज करना सीख गए तो ना तो कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी आएगा, ना आपका पेज रिस्ट्रिकेट होगा और ना ही किसी भी तरह से पेज पर कोई प्रॉब्लम आएगी। देखिए एडिटिंग का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि आपको पहले तो वीडियो को एडिट करना होता है। पूरा प्रोसीजर मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ जिसकी वजह से कॉपीराइट आपके पेज पर आ सकता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता दूंगा। आपको वीडियो को और ऑडियो को अलग अलग कर लेना है। पहले तो अलग अलग करने के बाद आपको अपनी वीडियो के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उनमें से कुछ एक एक मिनट के निकाल के, एक एक मिनट के टुकड़े आप जब करेंगे तो उनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। आपका जो कंटेंट रहेगा उससे वॉइस अलग हो जाएगी, वॉइस आपकी एडिट नहीं होगी। तो उसके बाद आपकी बची वॉइस को भी छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कर लेना है कट। कट करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि उनमें जो कट लगाए हुए हैं, एक कट छोड़ के दूसरे कट में आपको वॉइस को थोड़ा बहुत चेंजेस करना है वॉइस के अंदर। आप एक ही साथ में कभी भी एडिट मत कीजिएगा वीडियो को, पहले वीडियो की वॉइस अलग निकालनी है। अलग निकालने के बाद आपको क्या करना है कि वॉइस को कम, कहीं पे ज़्यादा कर देना है, कहीं पे कम कर देना है, इस तरह से आपको वॉइस एडिट करनी है। तो ये छोटा मोटा मैं आप मेन पार्ट था, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। मतलब दोस्तों आपने देखा कि भाई जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आप किसी भी कंटेंट को अगर यूज कर रहे हो तो उसमें छोटे छोटे एक एक मिनट के पार्ट को कट करके उनके बीच की जो वॉइस होती है उनको अलग करके उनको थोड़ा आप धीमा तेज कर सकते हो, थोड़ा उनमें आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, जो भाई ने अभी यहाँ पर शेयर किया। भाई आप ये बताइए कि आप यहाँ पर जो कॉन्टेंट अपलोड करते हैं तो आपको व्यूज़ कैसे आते हैं? बहुत से लोग यहीं परेशान रहते हैं, वो अपना पेज बाई कर लेते हैं या फिर पेज बना लेते हैं, उसमें काम करते हैं, लेकिन उनके पेज में व्यूज़ ही नहीं आते। तो व्यूज़ आने का आपका तरीका क्या होता है? आप अपने पेज को में व्यूज़ कैसे लाते हैं? पहले तो अपना को अपलोड कर देते हैं अपने फेसबुक पेज पे। अपलोड करने के बाद उसको एक दिन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जितना वो चल पाता है अपनी मर्जी से चल पाता है, वो चलता रहता है। मतलब नहीं करता है तो हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, तो हम ऐसा करते हैं उनका लिंक निकाल लेते हैं। लिंक निकालने के बाद उन ग्रुप्स में हम
हर 10 मिनट 5 मिनट बाद एक एक ग्रुप में हम शेयर करते रहते हैं अपने वीडियो को, तो इसकी वजह से हमारा पेज रिच पकड़ने लग जाता है, हम शेयर करके बैठ जाते हैं, अपने आप ग्रो करने लगता है वीडियो को। भाई आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आप अपने जो वीडियो होते हैं इनको शेयर कैसे करते हैं, मतलब जो ग्रुप होते हैं ऑटो अप्रूवल ग्रुप रहते हैं या फिर पेड ग्रुप रहते हैं, और आप इनमें शेयरिंग कितनी करते हैं, मतलब एक दिन में कितनी शेयरिंग करनी चाहिए जिससे इशू ना आए, इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए ताकि उनको और भी ज़्यादा हेल्पफुल लगे ये वीडियो। देखिए शेयरिंग करने के बहुत सारे नियम होते हैं जो कि मानने पड़ते हैं, अगर आप गलत तरीके से शेयरिंग कर देते हैं तो आपके पेज पर तुरंत कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी आ जाएगा, बिल्कुल तुरंत आएगा वो। इनमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हमारे खुद के हैं, और कुछ ग्रुप्स हम ऑटो अप्रूवल ग्रुप लेते हैं जो कि पेड नहीं लेते हैं, हम कुछ भी पेड नहीं लेते फेसबुक पे काम करने के लिए, हमारे पास हम ढूंढ लेते हैं ग्रुप, हमें पता चल जाता है कि कौन सा ग्रुप पेड है कौन सा ग्रुप ऑटो अप्रूवल है, और इनमें हम मैनेजमेंट करते रहते हैं ये सब चीज़ें, ग्रुप्स और भी बनाते हैं हम। तो इसमें ऐसा होता है शेयरिंग का कि आपने अभी वीडियो शेयर किया है, अपना एक वीडियो उठाया और आपने 3-4 ग्रुप में शेयर कर दिया, उसके आपको 15 या 20 मिनट बाद वेट करना होता है, वेट करने के बाद फिर अगले ग्रुप्स में आप उनको शेयर कीजिएगा, उसी लिंक को अगले ग्रुप्स में आपको शेयर करना होता है, उसके बाद आपको फिर 10-15 मिनट रुक के अगले में करना होता है, ये प्रोसीजर रहता है। अगर हम लगातार शेयर करते जाएंगे तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट होता है और पॉलिसी इशू इस पे आ जाता है। भाई आप ये बताइए कि जो पेज में बहुत से पेज में लोगों को पॉलिसी इशू आ जाता है, किसी को कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ जाता है, किसी का पेज रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो आप ये बताइए इन इशू को हटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या तरीके होते हैं इन इशू को हटाने का? देखिए फेसबुक को अच्छे से आपको अप्लाई करना चाहिए, पहले तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने किसी का वीडियो देखा और आप अप्लाई करने लग पड़े, आप अप्लाई किए जा रहे हैं लेकिन फेसबुक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, आपको फेसबुक के सारे डिपार्टमेंट में बोलना होता है। देखिए एक होता है डैशबोर्ड पे जब आप जाओगे तो क्रिएटर हेल्प नाम का एक ऑप्शन होता है और वहाँ पे जाके मोनेटाइजेशन के सारे टूल होते हैं, पहले तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे लिख के दे देता है कि ये प्रॉब्लम आपके पेज पर आई हुई है, तो अगर वहाँ से भी समझ में ना आए तो आप वहीं से एक जो रिपोर्ट का ऑप्शन होता है वहीं पे दे देता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर देंगे तो मोनेटाइजेशन डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है, तो ऐसा होता है, आपको रिपोर्ट करना आना चाहिए, जल्दी हट जाता है। भाई आप अपने थोड़ा पेज को हमारे ऑडियंस को शेयर कीजिए कि आपके पेज कैसे हैं जिनमें आप कॉन्टेंट अपलोड कर रहे हैं। हाँ मैं आपके पास ये स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना, ये मेरे पेज हैं आपको जो दिखाई दे रहे होंगे, तो इस तरह से हमारा वर्क रहता है, आपको लिंक दे दूंगा, लिंक में जाके आप क्लिक करके उसके वीडियोस वगैरह को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं उनकी एडिटिंग किस तरह से होती है, किस तरह से पेज पे काम होता है। अब भाई आप हमारे ऑडियंस को कुछ नई टिप्स दीजिए, अगर जो नई ऑडियंस फेसबुक में आना चाहती है तो किन चीज से उनको बचना चाहिए, कैसे उनको ग्रो करना चाहिए अपने पेज को? देखिए पहले जो कंटेंट पॉलिसी था मोनेटाइजेशन के लिए, जो भी फेसबुक का जो प्राइवेसी पॉलिसी था, उसमें ऐसा था कि पहले आप पेज को ग्रो करें और उसके बाद आपका कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी या पॉलिसी इशू हटता था, लेकिन अभी का जो अपडेट है आपके पेज पर आप सही तरीके से काम करेंगे तो कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी पहले तो आएगा ही नहीं, अगर आप कोई भी पॉलिसी को तोड़ देते हैं वायलेट कर देते हैं तो भले आ जाए, लेकिन आप सही तरीके से काम करेंगे तो पॉलिसी इशू नहीं आएगा, और प्लस आप अगर जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो आपको मैं एक टिप्स दूंगा जो कि आपको उस पर अप्लाई कर देनी है अपने पेज पर, तो आपका पेज भी ग्रो हो जाएगा। आपको वीडियो एक ही टाइम फिक्स रख लेना है, आपको सुबह का टाइम फिक्स रख लेना है 6 से 7 के बीच में, क्योंकि इस टाइम पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा फेसबुक पे एक्टिव रहती है, तो आपको इस टाइम पे वीडियो अपलोड कर देना है, और बाकी शाम को आप 7 से 6 के बीच में कभी भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, वहाँ भी एक्टिव रहती है क्योंकि दिन में सब लोग काम करते हैं, तो आप ये तरीका अपनाइए, जल्दी से जल्दी आपका पेज ग्रो हो जाएगा। भाई लास्ट में जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को ये बता दीजिए कि आप अपने पेज में फॉलोअर कैसे इंक्रीज करते हैं, लोग यहाँ पर व्यूज भी किसी तरीके से ले आते हैं शेयरिंग करके, ऑटो अप्रूवल ग्रुप पा जाते हैं फ्री ऑटो अप्रूवल, लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं शुरू में जो उनका मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया होता है कि 5,000 फॉलोअर होने चाहिए और जो 60,000 मिनट का वॉच टाइम होना चाहिए, तो इसको कंप्लीट करने का आपका तरीका क्या रहता है? देखिए पहले तो आपको मैं ये बता दूं, जब आप पेज क्रिएट करें तो आपको अपनी तरफ से कभी भी पेज को शेयर नहीं करना चाहिए, ये भी पॉलिसी के अगेंस्ट है, आप इनवाइट भी नहीं कर सकते, आप वहाँ पे अपने पेज को शेयर करते हैं इनवाइट करते हैं पूरे पेज को, वहीं पे आपके पेज के जो इंप्रेशन है वो गिर जाते हैं डाउन हो जाते हैं, तो फॉलोवर बढ़ाने का हमारा यही एक तरीका रहता है कि हम जब अपना नया पेज बनाते हैं पहले तो उस पर हम लॉन्ग वीडियो डालते हैं, लॉन्ग वीडियो को हम ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं और उस पर एनी अदर किसी के स्टार या फिर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम का हम पेज बनाते हैं और उस पर उसकी पिक्चर वगैरह लगाते हैं, तो फॉलोवर जल्दी इंक्रीज होते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें आप यूट्यूब पे देख लेते हैं जो वही सेम लाके आप अपने पेज पर कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपका पेज दिक्कत में आता है और आप उस पेज को
कभी भी अर्निंग के लिए एलिजिबल नहीं कर पाते। जैसा कि आज एक बंदे से मेरी बातचीत हुई, उस बंदे का मैं नाम यहाँ पे बता दूंगा, टेक्निकल आलोक गुरु नाम से। वो बंदा इतना फेक पॉडकास्ट वगैरह करता है, हद से ज़्यादा जितनी भी न्यूज़ फैलाता है फेक फैलाता है। जब जो बंदा जिस बंदे के खुद के चैनल पे तीन तीन दो दो स्ट्राइक पड़ चुके हों, वो बंदा आपको क्या सिखाएगा, आप ये बताओ। पहले तो आप पहले खुद जानिए कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। चीज़ बहुत सारी फेक चीज़ फैलाता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पर जो फेक लोग हैं इस समय, इनसे आप बचिए, जो बहुत यहाँ पर फेक चीज़ें बताते हैं। बाकी ये तरीका तो थोड़ा अनयूजुअल था कि यहाँ पर हमने किसी क्रिएटर का भाई ने नाम ले लिया, नाम मिला उतना सही नहीं था, लेकिन फिर भी भाई ने अपनी चीज़ों को बताया कि भाई के साथ किस प्रकार से ऐसे लोग यहाँ पर परेशान करते हैं, फालतू के यहाँ पर मैसेज करके स्कैम करते हैं। ये दोस्तों आपको कुछ चीज़ें थी जिनको आप सीख करके फेसबुक में काम कर सकते हैं, अपने फेसबुक के पेज को ग्रो कर सकते हैं। भाई ने अपनी पूरी जर्नी यहाँ पर शेयर कर दी कि वो कैसे वीडियो को एडिट करते हैं, कैसे पेज ग्रो किए हैं। थैंक यू भाई आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे ऑडियंस को इन चीज़ों को बताने के लिए। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों अगर आप फेसबुक के बारे में ए टू जेड सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं कि फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, आपको कॉपी पेस्ट सही तरीके से कैसे करना चाहिए, आपको सही से फेसबुक के बारे कैसे करना चाहिए, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने फेसबुक का एक डेडिकेटेड यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पर मैंने ए टू जेड सभी चीज़ों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक में ऑलरेडी यहाँ पर 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर मोनेटाइज पेज को बाई करना चाहते हो जिसमें एड्स ऑन रील्स इनेबल हो, या फिर यहाँ पर इनस्ट्रीम एड्स इनेबल हो, बोनस इनेबल हो, तो आप दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको बहुत चीप प्राइस में ग्रीन फ्रेश पेज आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिनमें कोई भी इशू नहीं रहता है, और आप पहले ही दिन से कॉन्टेंट को अपलोड करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे गेस्ट को इन्वाइट करने के लिए, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को बताने के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।